Welcome to Mishika classes. Our today's class topic is Artificial Intelligence, Unit 1, Communication Skills, Class number 7, that is Writing Skills. आज हमारी Artificial Intelligence की First and Communication Skills की Class number 7 है और इसमें आज हम discuss करने वाले हैं Writing Skills के बारे में. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first topic is Sentence. अगर हम बात कर रहे हैं Writing की, लिखने की, तो लिखने में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है सेंटेंस. सेंटेंस किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस कहा जाता है वाक्य को. किसे कहा जाता है? वाक्य को. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, काफी सारे वर्ड्स को हमने ग्रुप कर दिया तो उसे क्या कह दिया? वाक्य कह दिया. बट कंडीशन है दैट इट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक नाउ आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न कर रही हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स समझ रही हूँ. तो ये जो एक सेंटेंस है इसमें क्या हुआ? आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. टोटल जो है मेरे पास 5 वर्ड्स हैं जो मैंने ग्रुप कर दिए और इनका प्रॉपर मीनिंग भी निकल गया. तो इट व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस कहेंगे. इसमें आई दैट इज अ सब्जेक्ट. वर्ब क्या है? लर्निंग. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ रही हूँ, याद कर रही हूँ. दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें कॉम्बाइंड होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. व्हाट इज अ फ्रेज? अब सेकंड थिंग होती है फ्रेज. जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. दोनों सेम से ही होते हैं. द डिफरेंस इज अ फ्रेज डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज जो है कंप्लीट सेंस नहीं बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग. मैं लर्न कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, बता ही नहीं चला ना मैं क्या समझ रही हूँ. तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है. दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज. उसी को ही फ्रेज कहा जाता है. मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब. ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग होता है. जैसे सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया? आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स इज द ऑब्जेक्ट, जिसे समझते पता चल गया कि मैं क्या याद कर रही हूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ रही हूँ. तो वही चीज अगर मैंने एब्सेंट हो गई सेंटेंस तो क्या बन जाएगा? फ्रेज. क्योंकि जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं. नाउ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? हम लोग सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है उस चीज को जिससे हमें ये पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अ पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में आप बात करो दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट किसे कहते हैं? व्हाट द पर्सन डूइंग. अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर हम ये बताएंगे तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट. मींस आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आई ही इज अ सब्जेक्ट. आई के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया. प्रेडिकेट वो क्या कर रहा है? वो लर्न कर रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दैट बिकम्स अ प्रेडिकेट. नाउ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक इस तरीके से होता है. दूसरा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूँ प्रेडिकेट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या हो गया? पर्सन दैट टॉक्स अबाउट. अब वर्ब क्या होती है? जो उसने एक्शन परफॉर्म किया है. सब्जेक्ट ने जो काम किया दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसने एक्शन को रिसीव किया, जो भी काम किया था सब्जेक्ट ने, तो वो रिसीव कौन कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. हियर आई इज अ सब्जेक्ट. लर्निंग इज अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या बना? कम्युनिकेशन स्किल्स. कौन याद, क्या याद किया जा रहा है? कम्युनिकेशन स्किल्स. यानी कि एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? कम्युनिकेशन स्किल्स एक्शन रिसीव कर रहा है. तो दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट. नाउ अब बात की जाए ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स डायरेक्ट एक्शन. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या रिसीव करता है? डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है. मींस हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो उसी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात की जाए दैट आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को याद कर रही हूँ. तो द क्वेश्चन इज कौन याद कर रहा है? व्हाट? आई. तो जिसमें व्हाट का आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जिसमें हमें किसका आंसर मिला? व्हाट का. ओके, एंड द व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है दैट रिसीव्स द अफेक्टेड एक्शन. मींस जिसको एक्शन रिसीव किया जाए, जो एक्शन को रिसीव किया जाता है. इसमें जो होता है, इसमें पहचान क्या होती है? दैट अ सेंटेंस कंटेन द 2 एंड 4. 2
या फिर फोर, दो में से एक वर्ड तो होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक्शन से अफेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू बुक, तो यहाँ पर एक्शन जो है बुक के द्वारा मैं लर्न कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुक के द्वारा रिसीव हो रहा है एक्शन. ओके, या आई एम लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू मिशिका क्लासेस वीडियो, मिशिका क्लासेस की वीडियो के द्वारा मैं लर्न कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई, तो यहाँ पर उसके द्वारा किया जा रहा है, दैट इज अफेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें जो आंसर मिलता है दैट इज टू होम, टू होम का आंसर मिलता है या फॉर होम, किसके द्वारा और किससे हो रहा है काम, तो वो जब इसमें कंटेंट करता है दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरह के होते हैं सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो दिस इज अ डिक्लेरेटिव, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. रिएक्शन सेंटेंस एक्सप्रेस द फीलिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है, तो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, फीलिंग्स बता रही हूं, मुझे कितनी अच्छा लग रहा है सीन, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द रिएक्शन सेंटेंस ऑल द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस विच कंटेन्स द कमांड द रिक्वेस्ट द ऑर्डर और द एडवाइस, प्लीज ओपन द डोर, सिट डाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंटेन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ दिस इज द बेसिस ऑन द सब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द एक्टिव सेंटेंस, सबसे पहला कौन सा है, एक्टिव सेंटेंस. तो व्हाट इज द एक्टिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है. एंड व्हाट इज द पैसिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, एंड सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, और सब्जेक्ट को एक्शन रिसीव किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज चेज द कैट, डॉग जो है पीछे पीछे भाग रहा है किसके, कैट के, तो सिंपल सेंटेंस हो गया. लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस को थोड़ा मोल्ड कर दिया, मैंने कैसे बोला, द कैट वॉज चेज बाय द डॉग, जो कैट है वो डॉग के द्वारा चेज की जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड द पैसिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो मेरा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव. Now, अब बात करते हैं पैराग्राफ्स की, क्योंकि हम लोगों ने एक ही लाइन में तो आंसर लिखना ही नहीं होगा, राइट, वी हैव टू राइट इन अ पैराग्राफ्स, तो पैराग्राफ का मीनिंग भी पता होना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कलेक्शंस को कहा जाता है पैराग्राफ, और लेकिन कंडीशन क्या है, सभी सेंटेंसेस एक ही टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व होने चाहिए. अब जैसे ही मेरी वीडियो है, मैं राइटिंग स्किल्स के बारे में बता रही हूँ, तो सारी की सारी जो वीडियो है मेरी राइटिंग स्किल्स के ऊपर ही चल रही है, इसे मैंने किसी और टॉपिक का एंटर ही नहीं किया, तो मींस इस टाइप की जो बात हम की जाती है दैट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ कहा जाता है जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अब कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं जब भी हम लोग लिखते हैं, दैट इज द फर्स्ट वाज अ कैपिटलाइजेशन, किस किस चीज को हमें कैपिटल करना है किसको नहीं करना, एंड द सेकंड वाज अ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स. अब पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर जो रूल फॉलो करता है दैट इज टाइटल, किसी भी चीज का जो टाइटल होगा दैट इज शुड बी कैपिटल, वो कैपिटल होना चाहिए. उसके बाद लेटर आई, जो वर्ड आई है दैट इटसेल्फ अ वर्ड, वो अपने आप में ही एक वर्ड है, आई मींस मैं, तो वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, आप स्मॉल नहीं लिख सकते अगर आपने सिंगल आई का यूज करना, किसी वर्ड के बीच में आई आ रहा है तो वो आप स्मॉल आएगा, बट अगर हमने सिर्फ आई लिखना है तो वो दैट इटसेल्फ अ वर्ड, वो पूरा ही एक वर्ड है, तो एंड इट शुड बी कैपिटल, वो कैपिटल ही होना चाहिए. नेक्स्ट इज द नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, किसी का भी है, स्पेशली द पर्सन के जो नेम होता है वो कैपिटल होने चाहिए. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. नाउ द सेकंड रूल इज द पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बात की जाए, तो फर्स्ट इज द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कब लगता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस और व्हेन वी राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स फॉर एन इलैबोरेटेड वर्ड, किसी भी बड़े वर्ड को छोटे करके लिखते हैं तब भी हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. नेक्स्ट इज अ कॉमा, कॉमा इज इंडिकेटेड एज अ सेपरेटर और द पॉज, जब भी हमें पॉज देना है तब हम कॉमा यूज करते हैं, या फिर जब भी हमें क्या देना होता है, सेपरेटर. फॉर एग्जाम्पल, नोटबुक कॉमा, बुक कॉमा, बैग कॉमा, पेंसिल, तो ये सब कॉमाज आ जाएंगे. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स कब अप्लाई किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड के
जो है क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इसको लगते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब भी पीछे फीलिंग्स दिखानी होती तब हम एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं। नेक्स्ट इज द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कब दिखाते हैं, दैट शोज द बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स को शो करता है अपोस्ट्रोफी। और फॉर्मल स्पीच के अंदर जो शॉर्टेन वर्ड्स होते हैं, मींस किसी वर्ड को शॉर्ट करके लिखा जाता है, तब हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड राइटिंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स के अंदर हमें माइंड में जो ध्यान रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। अब हम जब सेंटेंसेस लिखेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स कब कब अरेंज किए जाते हैं, दैट इज कंटेन्स अंडर द पार्ट ऑफ अ स्पीच, एंड दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। स्टिल हैव इन डाउट इन टुडेस क्लास यू कैन कमेंट। थैंक यू।